हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर टेक्स्ट बुक लेने जा रहे हैं, तो जब आप बुक सेलर के पास जाते हैं, कोई भी बुक खरीदते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उस बुक का चयन करते हुए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वो बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट की बुक लेने जा रहे हैं, तो अगर वो बुक आपको मिल ही नहीं रही है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे विलेज में भी रहते हैं, कोई दूर दराज क्षेत्र में भी रहते हैं, तो अगर वो बुक मार्केट में आराम से नहीं मिल रही है, तो फिर आपको ऐसी बुक को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जो बुक मार्केट में इजीली मिल रही है, इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो बुक सेलर उन्हीं बुक को रखना पसंद करते हैं जिनकी बच्चों में डिमांड है। तो जिस बुक की डिमांड है, वही मार्केट में मिलेगी और वही अच्छी बुक फिर जो है होगी। तो आपको देखना चाहिए कि ये मार्केट में आसानी से मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है कि जो बुक का पेज है, वो बहुत अट्रैक्टिव और कलरफुल होना चाहिए। देखिए, जब भी बुक ले रहे हो, अगर आपका बुक का कवर अच्छा नहीं होगा, तो आपको उस बुक से पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर बुक का पहला पेज अच्छा है, तो आपको लगेगा अंदर भी जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ पिक्चर होंगे, जिससे पढ़ने में मजा आएगा। तो जो है, आपको ऐसी बुक चूज करनी चाहिए जिसका मेन पेज बहुत ही सुंदर बना हुई हो, जिससे आपको पता चल जाए कि इस अंदर की बुक में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं और उसमें बहुत सारे ग्राफ और पिक्चर भी होंगे। नेक्स्ट है कि जो बुक में लैंग्वेज यूज की जा रही है, वो बहुत क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। देखिए, कोई किताब है, अगर उसमें बहुत ही कठिन भाषा का यूज हो रहा है, तो आप जो है सेल्फ स्टडी करते समय बुक्स को पढ़ते हो, तो अगर आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, तो उस बुक का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपको एक घंटे में समझ आएगी, तो अगर आप बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज है, तो वो आपको 5 घंटे में समझ आएगी। तो आपको ऐसी बुक को पढ़ना नहीं चाहिए, आपको वो बुक देखनी चाहिए जो बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में दे रखी हो, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया हो। क्योंकि उससे एक तो आपके समझने का टाइम कम हो जाता है, और आपको जो है उस बुक से पढ़ने में अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए, या सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। देखिए, बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं, तो अगर कठिन टॉपिक भी होते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक भी होते हैं, हमारी बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है कि अगर उसे सिंपल पहले पढ़ाया जाएगा, तो उसे लगेगा भाई ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आगे कभी कर सकता हूँ जब मैंने सिंपल चीज कर ली। लेकिन अगर शुरू में आप कठिन टॉपिक पहले डाल दोगे, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो वो जो है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो छोड़ देगा कि नहीं, ये तो पूरी बुक ही इतनी डिफिकल्ट लिखी हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए बुक में जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कि पहले इजी टॉपिक हो, जिससे बच्चे को समझ आ जाए, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, और वो फिर आगे के कठिन चीजों को भी आराम से पढ़ सके। तो बुक का सब्जेक्ट मैटर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बुक में जो भी टॉपिक हो, वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी चीज का इंट्रोडक्शन है, फिर आपको उसकी करेक्टरिस्टिक बताई गई है, फिर उसको आपके बेनिफिट बताए गए हैं, फिर उसकी कमियां बताई गई हैं, फिर कमियों को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। तो इस तरह से सिस्टम में चलना चाहिए। अगर पहले ही कमियां बता देंगे और फिर उसका इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, तो बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। तो बुक ऐसी होनी चाहिए कि पहले बुक का किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो, जिससे आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर उस टॉपिक की करेक्टरिस्टिक कि हाँ, इसमें ये चीजें हो सकती हैं, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह से सिस्टमेटिक वे में सारे टॉपिक जो है अरेंज होने चाहिए। नेक्स्ट है कि बुक्स में मैप, ग्राफ, पिक्चरों का यूज बहुत होना चाहिए। देखिए, जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं, वो जब बच्चा उनके थ्रू पढ़ता है, तो बच्चे में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आप बच्चा सिंपल लैंग्वेज में पढ़े जा रहा है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर चीज का पिक्चर देख के वो पढ़ रहा है,
आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड पिक्चर भी वहाँ पे दे रखी है, ग्राफ भी है, तो आपको वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपको बुक ऐसी चूज करनी चाहिए कि जिसमें पिक्चर, ग्राफ, मैथ्स या और किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फिर नेक्स्ट है कि जो बुक है उसमें सीखने की जो विधियां हैं, जो लर्निंग मेथड है, उनका भी यूज होना चाहिए। वो कैसे? देखिए, आपने अगर पहले एक टॉपिक दिया होना चाहिए बुक में, फिर उसकी समरी भी देनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक अगर 20-25 पेज का या 100 पेज का है तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो और आप भूल भी जाते हो कि शुरू में क्या लिखा था। लेकिन अगर एंड में समरी दे रखी है, और समरी तो एक ही पेज की होती है, तो आप उसे पढ़ के एकदम से जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको वो पूरा चैप्टर जो है एकदम से उसकी गिस्ट पता चल जाती है कि इसमें हमने ये पढ़ा है। तो समरी दी होनी चाहिए। फिर लास्ट में एक्सरसाइज भी दी होनी चाहिए कि जिससे बच्चा जब उन क्वेश्चंस को पढ़े एक्सरसाइज के, तो उसे पता चल जाए कि हाँ इसका आंसर ये है और मुझे इसका आंसर नहीं आता तो मुझे दोबारा से टॉपिक का ये वाला पार्ट पढ़ना है। तो इसलिए जो सीखने की अच्छी विधियां हैं वो बुक में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो बुक का सामग्री है, जो कंटेंट है, वो बच्चों की इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, बच्चों की जो नीड है, कभी कभी हम किताबों में देखते हैं कि उसमें बहुत सारा मटेरियल दे देते हैं। कुछ बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होता है और कुछ बच्चों की आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसे तो पता नहीं है कि मेरी नीड में क्या क्या है, वो पूरा ही पढ़ लेता है और अननेसेसरी कंफ्यूज भी हो जाता है। और कभी कभी तो बच्चा उन चीजों को ज्यादा पढ़ लेता है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार नहीं थे। तो बुक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की नीड के हिसाब से हो और जिसे पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट भी आए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट डाटा। देखिए, अगर बुक में पुराना डाटा ही यूज हो रहा है तो बुक किसी भी काम की नहीं होती है, क्योंकि नए नए चेंजेस आते हैं तो नए नए डाटा भी बदल जाते हैं, पिक्चर भी बदल जाती है। तो बुक ऐसी होनी चाहिए कि जो हर साल जो है उसका नया एडिशन आ रहा हो और उस नए एडिशन में लेटेस्ट डाटा ऑथर ने यूज किया हो, जिससे आपके पास ऑब्सोलेट इंफॉर्मेशन ना हो, बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका जो बुक है उसमें हर चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्या होते हैं कि इसमें एक ही क्वेश्चन की चार चॉइस दे दी जाती है। अब बच्चों को देखना होता है कौन सी चॉइस ठीक है, वो चारों चॉइस ही मिलती जुलती सी होती है। तो जब बच्चा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करता है तो उसे चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसे पता होता है कि इसका आंसर ये वाला है, तो बच्चों का डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। नेक्स्ट है कि जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी हुई होती है, जो अभ्यास दिया हुआ होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि बच्चों की थिंकिंग और रीजनिंग पावर, सोच और तर्क शक्ति का विकसित हो। तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी होने चाहिए, वेरी शॉर्ट भी होने चाहिए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होने चाहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए। जब बच्चों को उन क्वेश्चन को करता है तो उसके चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन हो जाते हैं वो सब क्लियर होने चाहिए और उसकी इमेजिनेशन पावर भी उसमें यूज होनी चाहिए। लास्ट है कि देयर शुड बी स्कोप फॉर टाइमली करेक्शन एंड रिपीटेशन। देखिए, बुक में बच्चों की नीड के हिसाब से ऑथर को जो है उसमें चेंज करते रहना चाहिए, पिक्चरों का चेंज करना चाहिए, डाटा का चेंज करना चाहिए और आपका जो मेन पेज है उसे चेंज करना चाहिए। तो बुक ऐसी होनी चाहिए कि ऑथर आराम से उसमें चेंज कर सके, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए डाटा आते हैं, तो उस डाटा के हिसाब से बुक में चेंज होते रहने चाहिए, तभी वो चेंज बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं और बच्चा उन्हें पढ़ के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसलिए आगे से जब भी आप बुक सेलर के पास जाएं तो आप बुक को चूज करें तो ये जो मैंने 12 पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट को जरूर कंसीडर करें। तो बुक चूज करते समय जब आप अपने पॉइंट्स को देखेंगे और अगर ये पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप बुक सेलर को बताएंगे कि मैं बुक ये नहीं, इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि इनमें ये वाले पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो बुक सेलर फिर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिशर हाउस में या ऑथर को बताएगा, तो ऑथर इन्हीं हिसाब से फिर बुक को चेंज करेगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक जब आप चूज करते हो तो आपको इन पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। तो आई डू होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे फिजिकल साइंस की, मैथ्स की, बायो की,
हिंदी इंग्लिश की, कॉमर्स की, सोशल साइंस की बुक लेने जाते हैं तो आपको इन पॉइंट को ध्यान में रख के ही बुक का चयन करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।